भारत में औद्योगिक प्रदेश, तो भारत में औद्योगिक प्रदेश देखें हम। देश में उद्योगों का वितरण समरूप नहीं है। उद्योग कुछ अनुकूल अव्यवस्थित कारकों में कुछ निजी स्थानों पर केंद्रित हो जाते हैं। उद्योग के समूहन को पहचानने के लिए कई सह सूचकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों की संख्या है, औद्योगिक कर्मियों की संख्या है, औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्ति की मात्रा है, कुल औद्योगिक निर्गत है, और उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि है। यहाँ पर जैसे कि औद्योगिक प्रदेश और जिले के बारे में बात करें, मुख्य औद्योगिक प्रदेश हुगली प्रदेश, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, गुजरात प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गुटूर प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ, कोलम और थिरुवनंतपुरम प्रदेश। लघु औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करें हम, अम्बाला अमृतसर, सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, इंदौर देवास उज्जैन, जयपुर अजमेर, कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़ में, उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार, अदिलाबाद निजामाबाद, इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर, भोजपुर मुंगेर, दुर्ग रायपुर, बिलासपुर कोरबा, ब्रह्मपुत्र घाटी। औद्योगिक जिले हैं 15, उनमें हम देखें औद्योगिक जिलों में जैसे कि कानपुर है, हैदराबाद है, आगरा है, नागपुर है, ग्वालियर है, भोपाल है, लखनऊ है, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर और बरेली। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ये चित्र क्या दिखा रखे हैं, यहाँ पर भारत के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र दिखा रखे हैं, जैसे कि बेंगलुरु तमिलनाडु चित्र है, कोलम तिरुवनंतपुरम में है, मुंबई पुणे क्षेत्र है, गुजरात क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र है, हुगली क्षेत्र है, यहाँ पर विशाखापट्टनम गुटूर क्षेत्र है, और ये गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र है। ये मुख्य है हमारे मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है। देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का विस्तार यहाँ पर दिया गया है। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करें, यह मुंबई थाने से पुणे और नासिक और सोलापुर जिलों के सहस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ आरंभ हुआ और मुंबई में कपास के पृष्ठ के प्रदेश में स्थित होने से और नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। 1869 में स्वेज नहर के खुलने के कारण मुंबई पतन के विकास को प्रोत्साहन मिला और इस पतन के द्वारा मशीनों का आयात किया जाता था और इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट प्रदेश में जल विद्युत शक्ति का यहाँ पर विकास किया गया। उसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुआ। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश के अतिरिक्त बल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रासायनिक, चमड़ा, संश्लेषित और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण, खाद्य उद्योगों का विकास हुआ। मुंबई, कोलंबा, कल्याण, थाने, ट्रांबे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड़, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करें, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में वांसवेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। उद्योगों का विकास पश्चिम में मेदिनीपुर से भी हुआ है। कोलकाता, हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र हैं। इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिया है। इसका विकास हुगली नदी पर पतन के बनने के बाद प्रारंभ में हुआ है। देश में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। इसके बाद कोलकाता भीतरी भागों से रेल मार्गों और सड़क मार्गों तक जोड़ दिया गया है। असम, पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में यहाँ पर चाय बागानों के विकास, उनसे पहले नील का परिष्करण और बाद में जूट संस्थानों ने दामोदर घाटी, कोयला क्षेत्रों और छोटा नागपुर पहाड़ के लोहे अयस्क के निक्षेपों को साथ मिलकर के इस प्रदेश में औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान किया है। बिहार के घने बसे भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से उपलब्ध सस्ते श्रम से भी इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। कोलकाता ने अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के कारण ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया है। 1855 में रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना ने इस प्रदेश के आधुनिक औद्योगिक समूहन के युग का प्रारंभ किया। जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और पटवारा में है। 1947 में देश विभाजन ने इस औद्योगिक प्रदेश की बुरी तरह से प्रभावित किया। जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग भी पनपा। कागज इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनों, विद्युत रासायनिक औषधियाँ, उर्वरक और पेट्रो रासायनिक उद्योग का विस्तार हुआ। कौन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना और चितरंजन में डीजल इंजन का कारखाना इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, सीरमपुर, रिसरा, शिवपुर,
नौहाटी, गुरियाही, काकीनारा, श्याम नगर, टीटगढ़, सौंदीपुर, बजबज, बिड़ला नगर, वांसवरैया, वेलगुरिया है, त्रिवेणी, हुंगली, बेलूर आदि हैं। फिर भी इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में दूसरे प्रदेशों की तुलना में कमी आई है। जूट उद्योग की अवनति इसका एक कारण है। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करें, यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास का साक्षी है। 1960 तक उद्योग केवल बेंगलुरु, सेलम और मदुरई जिले तक सीमित थे, लेकिन अब वे तमिलनाडु के बिल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुके हैं। कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है, जो 1932 में बनाया गया था। कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग ने सबसे पहले पैर जमाए थे। सूती मिलों के साथ ही करघा उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ है। अनेक भारी अभियांत्रिकी उद्योग बेंगलोर में एकत्रित हो गए हैं। वायुयान, HAL, मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रकार के औद्योगिक स्तंभ हैं। टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिकी वस्तुएं, रबर का सामान, दवाएं, एल्युमिनियम, शक्कर, सीमेंट, ग्लास, कागज, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान आदि महत्वपूर्ण उद्योग हैं। चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधन शाला, सेलम में लोह इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र अभिनव विकास हैं। गुजरात औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करें, इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड और सूरत तक के पश्चिम में जामनगर तक फैला है। इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से संबंधित है। यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र क्षेत्र बन गया है। कपास के उत्पादक क्षेत्र की में स्थिति होने के कारण इस प्रदेश के कच्चे माल और बाजार दोनों को ही लाभ मिला है। तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रासायनिक उद्योग की स्थापना अंकलेश्वर, बड़ोदरा, जामनगर के चारों ओर हुई है। कांडला पतन ने इस प्रदेश के तीव्र विकास में सहयोग दिया है। कोयली में पेट्रोलियम परिशोधन शालाओं ने अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया है। औद्योगिक संरचना में अब विविधता भी आ चुकी है। कपड़ा, सूती सिल्क, कृत्रिम कपड़े पेट्रो रासायनिक उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योग भारी और आधार रासायनिक मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनें, इंजीनियरिंग, औषधि, रंग शोधन, कीटनाशक, चीनी, दुग्ध उत्पादन, खाद्य प्रकरण में है। अभी हाल ही में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधन शाला जामनगर में स्थापित की गई है। इस प्रदेश की महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुंदरनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड और जामनगर हैं। फिर इसके बारे में बात करें, यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। यह भारी धातु उद्योग के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योग की स्थापना को सुसाध्य बनाती है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, वेकारो, राउरकेला में स्थापित हैं। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊष्मीय एवं जल विद्युत शक्ति संयंत्रों का निर्माण दामोदर घाटी में किया गया है। प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों से सस्ता श्रम प्राप्त होता है। हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। भारी इंजीनियरिंग, मशीन औजार, उपकरण, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन, भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। रांची, धनबाद, चौबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बेकारो, राउरकेला, दुर्गापुरा, आइसोल और डॉलमिया नगर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विशाखापट्टनम गुटुरे प्रदेश, ये क्या है? यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर के दक्षिण में कुरुनूल और प्रकाशम जिलों तक फैला हुआ है। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम, पतनों और इसके भीतर भागों में विकसित कृषि और खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर है। गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। जलायान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ। आयातित पेट्रोल पर आधारित पेट्रोलियम परिशोधन शालाओं ने कई पेट्रोल रासायनिक उर्वरकों की वृद्धि को सुगम बनाया है। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्युमिनियम और हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं। गुटूर जिले में एक शीशा जिंक प्रगालक कार्य कर रहा है। विशाखापट्टनम में लोहा इस्पात संयंत्र और वेलाडीलाल ओएस का प्रयोग करता है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजसमुंद्री, गुटूर, एलरू और कुरनूल महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं।
गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ प्रदेश। तो यहाँ पर इस प्रदेश में स्थित उद्योगों में पिछले कुछ समय से बड़ा तीव्र विकास दिखाई देता है। खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों ने बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी हैं। इलेक्ट्रॉनिक, हल्के इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी, कृत्रिम रेशा, वस्त्र, हौजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी उद्योग हैं, जो कि बड़े स्तर पर विस्तृत हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वृद्धि है। दक्षिण में आगरा, मथुरा उद्योग क्षेत्र है, जहाँ मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल परिशोधन कारखाना, पेट्रो रासायनिक पदार्थ का संकुल और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुड़गांव, दिल्ली, शाहदरा, मेरठ, मोदी नगर, गाजियाबाद, आंवला, अम्बाला, आगरा और मथुरा का नाम लिया जा सकता है। कोलम त्रिवंतपुरम प्रदेश के बारे में बात करें, यह औद्योगिक प्रदेश त्रिवंतपुरम, कोलम, अलवाय और अरनाकुलम और अल्लापुझा जिलों में फैला हुआ है। बागान, कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश का औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं और देश की खनिज पेटी से बहुत दूर स्थित होने के कारण कृषि उत्पाद प्रक्रमण और बाजार अभिविन्यास हल्के उद्योगों को इस प्रदेश की घर से अधिकता है। उनमें से सूती वस्त्र उद्योग, चीड़ी, चीनी, रबड़, माचिस, सीसा, रासायनिक उर्वरक, मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रक्रमण, कागज, नारियल रेशा उत्पादक, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण है। कोची में पेट्रोलियम परिशोधन शाला की स्थापना ने इस प्रदेश के उद्योग को एक नया विस्तार प्रदान किया है। कोलन, त्रिवंतपुरम, अलवा, कोची, अलापुजा और पुनालूर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ पर हम देखें कौन सा औद्योगिक अव्यवस्था का एक कारण नहीं है, तो यहाँ पर जैसे कि औद्योगिक अव्यवस्था का कारण नहीं है, तो अव्यवस्था का कारण यहाँ पर देखें हम ऊर्जा। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लोहे इस्पात कंपनी कौन सी है, तो ये है हमारी, ये हम देख लेंगे कि भारत में सबसे पहले लोहे इस्पात कंपनी कौन सी है। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना कहाँ पर लगाया गया, मुंबई के पतन में लगाया गया। ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, ये भी सही है। हुगली औद्योगिक केंद्र का प्रदेश का केंद्र कहाँ है, और यहाँ पर कौन सा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक।